चलती है क्या 9 से 12। ओह सॉरी सॉरी गाइस। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लू माउंटेन में। तो गाइस आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सदियों से, हजारों सालों से, लाखों सालों से प्रेमी जोड़ों को इंतजार था, यानी कि वैलेंटाइन डे का 14 फरवरी। तो गाइस अपने अपने हिसाब से सभी जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, अपने अपने हिसाब से सभी ने अपने अपने खोपचे और अपने अपनी जगह चुन ली होंगी। और सारे कोई पार्क में जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, तो कहीं कहीं जा रहा होगा। तो वैसे तो मैं 2-3 दिन से ये व्लॉग बना रहा हूँ वैलेंटाइन डे के ऊपर, बुरी तरह से बजा रहा हूँ, बेइज्जती करवा रहा हूँ। तो गाइस सॉरी, मुझे माफ़ करना। ये तो मेरा जो है मतलब कि एक तरीका है, यानी कि फन समझ लो आप इसको। तो नाराज मत होना सब, तो अपने अपने हिसाब से जो है इंजॉय करना। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो मेरी तो शादी हो चुकी है, अब मैंने क्या करना वैलेंटाइन मना के। मुझे तो अब कमाना पड़ेगा, एक बच्चा है तो उसकी स्कूल की फीस है, बीवी का खर्चा है, कई चीज़ें। हमारा तो वैलेंटाइन डे, तो अब नाम का ही रह गया। शादी से जो पहले का जोश होता है वो कुछ अलग चीज़ होती है। तो ऐसी ऐसी बात है। तो गाइज भोलू राम तो अभी सुबह लड़के गया है मेरे से बड़ी बुरी तरह। वैसे तो बोलता था कि मुझे, कि भाई मुझे दिमाग से प्यार हुआ है, पर मुझे नहीं लगता कि उसे दिमाग से प्यार हुआ। मुझे लगता कि वो दोबारा से उसके दिल की जो धड़कने हैं जो है बढ़ गई उसके लिए। अभी सुबह मैंने उसका एक वो टेस्ट लिया, तो उसका वीडियो जल्दी आ जाएगा आपको। लंच टाइम के बाद भेज दूंगा मैं आपको उसका वीडियो। फिर उसके बाद शॉर्ट्स देख लेना आप उसका, कि किस तरीके से मैंने उसका मतलब कि वो किया है। तो गाइज और सुनाओ फिर कैसे कैसे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आज आपने कैसे कैसे इन्जॉय किया, कैसे कैसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ गए, किधर गए, क्या किया। तो मतलब कि ये बता देना, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा पूरा हिसाब से बस समझ रहे हो आप मेरी बात। तो बस आज ले इस लाइट को भी अभी जाना था। वैसे तो दिखाई तो दे रही होगा आपको। हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो थोड़े दिन के बाद बारिश भी स्टार्ट होने वाली है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैं जाऊँगा पीछे गाँव में अपने लगवेली में, वहाँ पर हमारे जो घर के जो देवता जी वो निकलने वाले हैं। तो वहाँ का जो अल्टीमेट नज़ारा है वो भी दिखाएंगे, फन भी करेंगे, इंजॉय भी करेंगे। और उसके बाद जो है कई चीज़ें बनेगी, आप समझ ही सकते हैं। तो एक मिनट गाइस मैं चेक कर लूँ ज़रा, लाइट ठीक पड़ रही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ज़्यादा क्या करना। 1080 की क्वालिटी वैसे बहुत ज़्यादा काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या करनी है। और बाकी तो आपको पता ही है, आपका भाई जो है एक ही टेक में जो है पूरा वीडियो बना देता है, डबल टेक नहीं करता। बाकी कोई ज़्यादा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में अगर मैं अटक भी जाता हूँ बोलने से तो उस चीज़ को माइंड मत करना, पता है आपको सब चीज़ ओरिजिनल है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। तो ऐसा ऐसा है गाइज। तो मैं जो ये एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो धोखा खाए हुए आशिक है वो दारू ज़रूर पियो, पर अपनी गर्लफ्रेंड की जो है उसके गम में मत पीना, नहीं तो आप जो है नाली में ही पड़े मिलेंगे शाम के टाइम। तो ज़्यादातर तो ऐसे भी होगा, कई गालियाँ दे रहे होंगे अपनी गर्लफ्रेंड को, आज के दिन साली मेरे को ये छोड़ के चली गई थी, ऐसे करके चली गई थी, वैसा करके चली गई थी। तो इस चीज़ को मतलब कि माइंड मत करना। ज़िंदगी का नाम है आगे जीना, आगे आगे बढ़ते रहो, आगे आगे बढ़ते रहो, मिलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी, जैसे कि हमारी हो गई है, अब तो हमारा, हम तो भागते भी नहीं लड़कियों के पीछे, हमारा शौक भी नहीं रहा। तो अपने काम में ध्यान देते हैं और अपने YouTube में ध्यान देते हैं। पर कुछ लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बजाएंगे, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको क्या जरूरत है अब लड़कियों के पीछे भागने की। तो वैसे तो बुरा मानने की तो बात ही क्या है, बात भी सही है, इसमें क्या बुरा मानना। तो एक उम्र के हिसाब से होता है। बाकी आप सोच रहे हो कि मैं एक ही पॉइंट में बार बार यहाँ पर यही वीडियो बना रहा हूँ, बस पीछे से लाल रंग की टोपी दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो गाइस ऐसा है ना, दुकानदार आदमी है तो यही हमें वो करना पड़ता है। पर जब जब जैसे जैसे मेरे को मौका मिलेगा ना, वैसे वैसे मैं फटाफट मतलब कि आपका कहीं इलाके में जाऊँगा तो वहाँ की वीडियो और फन भी करूँगा, तो उस हिसाब से ब्लॉग भी बनाऊँगा। और आप ज़रूर उस ब्लॉग को देखना, बाकी मर्ज़ी आपकी ना, ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल की पब्लिक जो है ना, उनको चाहिए एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, बस ये चाहिए। तो वो सब भी आपको मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो उसकी टेंशन मत करना आप। बाकी तो मैं इसी चैनल में शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों ही डालता हूँ। बाकी मैंने पिछले कल भी बताया था, मेरा पैसे कमाने का कोई मोटिव नहीं है इसमें, मैं बस इंजॉय करता हूँ और मज़ा करता हूँ। और बाकी जो है अपने बोलने के टैलेंट को और ज़्यादा निखारता हूँ, जिससे कि जो है मेरा बोलने का तरीका और ज़्यादा बेहतर हो। वही बात आ गई ना, एक ही शॉट में पूरी फिल्म तैयार। तो ऐसा है,
बीच बीच में आपको आवाजें भी आती रहेगी बंदरों की, गाड़ियों की, स्कूटर की, ट्रक की, तो इस चीज को माइंड मत करना क्योंकि आपके भाई के पास जो है ना माइक नहीं है, फिर भी उसमें आवाज आती रहती है। ज्यादातर आपके यहाँ पर मतलब कि जब भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो तोते की आवाज आती है क्योंकि यहाँ तोतों का घर है, यहाँ पर ऊपर बैठा है, तो कभी बंदर चिल्लाया बड़ी जोर की, ये भी रिकॉर्ड हो गई इसमें। चलो कोई बात नहीं, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं हम। तो अभी यहाँ पर जरा फाइट भी हो रही है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं बंदरों के, तो उसी हिसाब से फाइट होती रहती है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, उसी हिसाब से। तो कभी जो बाउंड्री क्रॉस कर लेता था उस वजह से फाइटिंग होना लाजमी है। तो चलो इन चीज़ों को तो मतलब कि रहने दो आप। तो आज का दिन जो है प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत ही खास दिन है। तो मैं इस चीज़ से भी खज्जल हो रहा हूँ, मैं नेचर को भी बीच में डाल रहा हूँ इस चीज़ में, बंदरों को भी डाल रहा हूँ, तोतों को भी डाल रहा हूँ, सब चीज़ को डाल रहा हूँ, फिर से हट फिर के 14 फरवरी में ही आ रहा हूँ। आज मेरा मतलब कि ये मतलब कि वो लास्ट वीडियो होगा इसमें, मतलब कि यूट्यूब में नहीं होगा लास्ट, यानी कि जो 14 फरवरी का जो प्रेमी जोड़ों के लिए जो मैं 2-3 दिन से बना रहा हूँ उसके ऊपर होगा। तो उसके बाद फिर दूसरे बनाएंगे क्योंकि मैं गाँव में जाऊँगा, फिर उस हिसाब से बनाऊँगा मैं आपका जो भी है, आपका नेचर का जो भी है उसमें भी फन होगा बढ़िया तरीके से। और वैसे इसमें हमेशा ख्याल रखना, जब भी आप बोलते हैं तो घबराना नहीं है, बाहर चाहे जितनी भी पब्लिक चाहे आपने डरना नहीं है, रहने दो कोई बात नहीं। जैसे मेरी दुकान में आते हैं बोलते हैं भाई जी पजामा कितने का है, मैं भी बोलते बोलते बोलता हूँ 500 रुपये का है, पर्स कितने का है 300 रुपये का है, तो साथ में यहाँ भी रिकॉर्ड हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं इसको, तो इस चीज़ की टेंशन मत करना। तो पता नहीं लाइट आएगी कि नहीं आएगी, पर ठीक है अभी धूप भी इस तरफ आ रही है, उस वजह से जो है मेरे चेहरे में भी बहुत ही ज़्यादा रौनक दिखाई दे रही है, मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया गाइस, ठीक है ना, हम कुदरती ही सुंदर हैं। पर किसी किसी वीडियो में मैंने डाला हुआ है कि तवे की तरह चेहरा काला है, वो तो बस बोलने की बात होती है, ऐसे हम तो भाई बहुत ही ज़्यादा वो है। चश्मे लगाने का ये कारण है कि क्योंकि शुरू से ये वो बन चुका है, सिंबल बन चुका है कॉन्फिडेंस, तो ज़्यादातर जितने भी मुझे देखने वाले हैं उन्हें तो पता ही हो कॉन्फिडेंस, बाकी बोलू की निशानी तो टोपी है, कभी कभी मैं भी लगा देता हूँ टोपी, ऐसे ही मतलब कि हमारे कुल्लू वालों की पहचान है। तो इस वजह से दुकानदार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता बाहर, तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर जाके मतलब कि आपको नज़ारे दिखाऊं, लॉन्ग वीडियो बनाऊं, वो भी करूँगा, बस मेला ख़त्म होने वाला है, यहाँ थोड़े दिन में जो है आपका मेला स्टार्ट हो जाएगा, पर मैं यहाँ नहीं हूँगा, कुल्लू हूँगा क्योंकि मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी, और सबसे पहले तो अपने घर का जो मुख्य जो हमारे देवता जी है वहाँ जाना जरूरी है, चाहे कितना भी बड़ा मेला हो, आप कितने भी पैसे कमा रहे हो, कितनी भी बड़ी मीटिंग हो, डील हो, तो उस चीज़ का आपने टेंशन नहीं करना है क्योंकि सब कुछ देने वाला तो भगवान ही है ऊपर वाला, तो अगर आप उसको याद नहीं करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो भगवान ही सब कुछ देने वाला है, तो उसके दरबार में एक दिन जाने में कुछ नहीं है। मैं तो 4-5 दिन रहूँगा आराम से, ऊपर वीडियो भी बहुत अच्छी अच्छी बनाऊँगा और आपको भी दिखाऊँगा। तो गाइज एक बार फिर से जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रेमी जोड़े हैं, उन सबको वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छे से बनाना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना, ऐसा नहीं कि गिफ्ट दिया थोड़ी देर फाइट हो गई लात मार के फेंक दिया, वैसा नहीं करना है, ठीक है, साथ निभाना अच्छे तरीके से। बाकी मिलते हैं एक नए नेक्स्ट ब्लॉग में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ब्लू माउंटेन के नाम से। मिलते हैं गाइज, हैप्पी वैलेंटाइन डे।